नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस केस में हमारा साथ देंगे जाने माने क्राइम रिपोर्टर शम्स ताहिर खान। कहते हैं कि इंसान अपनी सोच की मिट्टी का बना होता है, अगर सोच खोखली हो तो जाहिर है इंसान भी खोखला है। इस घटना के दौरान भी मुश्किलों के गहरे बादल, इससे प्रभावित लोग अपने बीते कल में झांक कर सही और गलत होने का अंदाजा लगा रहे थे कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। ये अपने आप में एक शॉकिंग केस है जिसने पुलिस को तो हैरान परेशान किया ही, साथ ही मौका वारदात पर मौजूद लोगों को भी हैरत में डाल दी। ज्वेलरी एसोसिएशन को आप जैसे क्लीन इमेज वाले प्रेसिडेंट की जरूरत थी। आप सब लोगों के प्यार और भरोसे का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें सबसे पहले एसोसिएशन की छवि सुधारनी होगी। मेहता जी, जितने भी डिफॉल्टर मेंबर्स हैं आप उन सब की लिस्ट बनाइए और उन्हें पेमेंट रिमाइंडर का नोटिस भेजिए। अगर उसके बावजूद भी वो पेमेंट नहीं करते हैं तो आप उनकी लिस्ट बनाकर एक पार्किंग में, लिफ्ट में और हर एक फ्लोर की लॉबी पर लगाइए। शर्मिंदा होकर ही सही, कम से कम अपनी पेमेंट तो करें। तो खाना तो खा क्यों नहीं रहा? बापू कब आएंगे माँ? 7 दिन हो गए। आ जाएंगे बेटा, तो खाना। बापू, चिंटू के बापू कहाँ गए थे इतने दिन? अस्पताल में। अस्पताल? बहुत बुरा किया तुमने मेरे साथ, अब देखो मैं क्या क्या करता हूँ। देखो प्लीज, तुम्हें जो कुछ भी बात करनी है सीधे सीधे मेरे पति से करो, इस तरह मुझे तंग करके तुम्हें क्या मिलेगा? तंग तो मैं आ चुका हूँ दुनिया से नजरें छुपाते छुपाते, अब तुम अपने उल्टे दिन गिनना शुरू कर दो। मुझे अगर कुछ हो गया ना तो माँ को लेके इस पते पे चले जाना। ये बहुत अच्छे लोग हैं, जब मैं अस्पताल में था ना तब इन्हीं लोगों ने मेरा खर्चा और इलाज करवाया था। भैया अब अपना वॉलेट भूल गए। ये ले बेटा, चाय पी। थैंक यू माँ। अच्छा माँ, आप ये फोन ले जाओ, मुझे पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है। शीतल, बिस्तर के नीचे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं भाभी, वो रोहन की मार्कशीट नहीं मिल रही थी ना, मिल गई। ठीक है,
जा रोहन, कंसल्टेंसी वालों से बात कर ले। जा। ये संडे को कौन से कंसल्टेंसी वाले मिलेगी? मामा, संडे को ही तो सेटिंग होती है। सही बोल रहा है। चल मैं उधर ही जा रहा हूँ, तुझे ड्रॉप कर देता हूँ, आजा। हाँ हाँ। चल अंदर चल। कौन है तुम लोग? आवाज नहीं। भैया। ए! कौन हो तुम? हाँ? कौन हो तुम? अंदर कैसे घुसे? हट जा। ए! ज्यादा हीरोगिरी नहीं समझाना, तुझे तो ठोकूंगा ही, साथ में तेरी बहन को भी ठोक दूंगा। नहीं, 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 चल उठ। चल। अरे उषा जी, आप क्यों दूर खड़ी है? मरना चाहती है क्या? आइए फैमिली को ज्वाइन कीजिए, आइए। चलो फोन निकालो। मेरा फोन वहां है, मेरा फोन वहां चार्जिंग पे लगा है। मुझे अलग से निमंत्रण देना पड़ेगा। हाँ चल वैसे निकाल। हाथ आगे जल्दी। बाकी तीन किधर है? कौन तीन? एबीसी चल रहा है। वो मेरा बेटा और भतीजा बाहर गए, मेरी बेटी वो दिन के ट्यूशन के लिए गई है। ये बेवकूफ बना रहे हैं? संडे को कौन सी ट्यूशन है? हाँ बोल। टेरेस बैकयार्ड सब देख लिया, सब लॉक्ड है, ऊपर कोई नहीं। क्या 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 चाहिए? पैसा, ज्वेलरी, सब ले जाओ, सब ले जाओ। मतलब अब तुम हमें बताओगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना? या भजन करने तो आए नहीं हम यहाँ पर, समझा ना? भाई घर में और भी फोन है। क्या ये? हाँ क्या? हाँ लगता है गलती से पारुल अपना फोन घर भूल गई। सोच गलती से मैंने तुझे ठोक दिया तो? हाँ दिमाग मत खराब कर। रवि क्या पता लगाया अभी?
घर में एक ही लड़की थी, वो भी घर पे नहीं है। मैंने संडे को किसी को घर से बाहर जाते नहीं देखा। मुझे वो फोन किसी भी हालत में पारुल तक पहुंचाना होगा। ए, ए, रुक। ये भी। चुप ना, ये इन लोगों का मुंह बंद कर रहे। डाल दूं अंदर, छह के छह। कैसा मर्द है तू? अपने बीवी और बहन को छोड़ के भाग रहा था, पर भागता कैसे? हाथ तो तेरे बंधे हुए थे। दिमाग से पैदल है क्या? पर इतना बड़ा बिजनेस चलाता कैसे? यहाँ पर फोन पड़ा था, कहाँ गया? भैया घर पे गुंडे आ गए, मैं छुप कर मैसेज कर रही हूँ, पापा मम्मी बुआ को हॉस्टेज बना लिया है, जल्दी आओ। इसके बाद कोई मैसेज आए? नहीं सर। तुम्हारा घर कहाँ? पुलिस है। खिड़की के थ्रू चेक करो। जी सर। सर, अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा है, खिड़कियां बंद है, पर्दे भी लगे हुए हैं। अंदर जाने का कोई और रास्ता? सर यही एक रास्ता है। सर चारों तरफ आयरन ग्रिल लगे हुए, छत पे भी आयरन गेट, यानी आयरन कटर ही सलूशन है सर। आयरन काटने जाएंगे, आवाज होगी, फैमिली मेंबर्स की जान को खतरा हो सकता है, कोई और रास्ता ढूंढना होगा।
भोपाल शहर का एक अप मार्केट रिहायशी मोहल्ला जहां हर संडे की तरह लोग सुकून के पल काट रहे थे, तभी शहर के मशहूर जौहरी मोहन सिंघानिया के घर कुछ गुंडे घुसा। आखिर उन्होंने मोहन सिंघानिया का घर ही क्यों चुना? होस्टेज टेकर कौन है, क्या अपने या अजनबी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि लोकल पुलिस जिसे इस तरह के केस को हैंडल करने का तजुर्बा नहीं, क्या वो इस केस को हैंडल कर पाएगी? क्या लोग बच पाएंगे या फिर आज का संडे होगा एक ब्लडी संडे? ए, किसका फोन है? स्पीकर पे डाल, देख कौन है। मैं पुलिस इंस्पेक्टर जयदीप सिंह बोल रहा हूँ। देखो, तुम जो कोई भी हो अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तुम्हारे पास 15 मिनट का वक्त। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, आक्रमण ही सबसे अच्छा हथियार है। हमारे पास 15 मिनट का वक्त है। इस 15 मिनट में इतना प्रेशर डालना है इन लोगों पर कि खुद ब खुद ये लोग सरेंडर करें। सर, अगर इन लोगों ने सरेंडर नहीं किया तो? सोचो यार, करना क्या है? ऋषि के ज्यादा लालच के चक्कर में फंस गए। पुलिस अंदर घुस गई तो क्या करेंगे? करना क्या है? पुलिस से गाड़ी मंगवाते और निकलते हैं। पुलिस हमें मारने की बात करी, गाड़ी क्यों देगी? देगी ना, अभी मैसेज भेजता हूँ। चल चल यहाँ पर चल। ए, क्या करना? सर, ये माँ की उंगली है। एक है इंस्पेक्टर, अभी तो एक उंगली मिली है, धीरे धीरे सबका सर मिलेगा। अंदर आने के बारे में सोचना भी नहीं। तुम लोग चाहते क्या हो? इंस्पेक्टर, इतना उतावला मत हो इंस्पेक्टर, हमें क्या चाहिए हम खुद बताएंगे। सर, इनकी हरकतों से पेशावर मुजरिम लगते हैं। इनसे डील करने के लिए हमें बहुत ही सूझबूझ से काम लेना होगा। सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि ये लोग हैं कौन और कितने। सुषमा, एक काम, इस पूरे एरिया का सीसीटीवी फुटेज निकालो और जो भी फुटेज मिले उसे फोन में ट्रांसफर करो। एक मेडिकल टीम और एक एम्बुलेंस जल्द से जल्द यहाँ पर होनी चाहिए। मैं बैकअप टीम बुलाता हूँ। जी सर। तकरीबन 2 घंटे से जानलेवा खौफनाक खेल जारी है। लोकल पुलिस बैकफुट पर है। हमें अनऑफिशियली जानकारी मिली है कि लोकल पुलिस ने एहतियातन एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी ATS को इसकी सूचना दे दी। ATS अपने नेटवर्क के जरिए हॉस्टेज टेकर्स के बारे में जानकारी जुटा रही है। लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के एक तबके को शक है कि हो सकता है हॉस्टेज टेकर्स आतंकवादी है और वो हॉस्टेजेस को ह्यूमन शील्ड बनाकर शहर में कोई बड़ी आतंकवादी हरकतों को अंजाम देना चाहते हो। बस बस बस, सब ठीक हो जाएगा, तुम घबराओ मत। बाहर कुणाल और पुलिस दोनों आ चुके हैं। ये रोहन कहाँ रह गया? बस 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 भाई, ये देख, पलंग के नीचे से खजाना मिला। शीतल, ये पेटी तो तुम्हारी है ना? तुम्हारे पास इतने गहने रुपए कहाँ से आए? वो बचा कर रखे थे। चाचा के जाने के बाद तो आपके पास कुछ भी नहीं बचा था। इसका मतलब आप अपने ही घर पर चोरी कर रहे थे? कहीं ये सब भी आपका और रोहन का किया धरा तो नहीं? आप अपने भाई को बर्बाद कर रही हैं। अब तुम दोनों लड़ना शुरू मत कर दे। लड़ो लड़ो, लड़ो, मजा आ रहा है। हंसता ही रहेगा या पुलिस से गाड़ी भी मंगवाएगा? प्लान क्या है तेरा? सामान लेकर रफू चक्कर होना है कि मारकर निकलना ही नहीं? बताता हूँ, अभी तो गेम शुरू हुआ है, थोड़ा सब्र तो कर। सब बताता हूँ क्या करना है।
इस घर में कितने लोग रहते हैं? तुम्हारे मोबाइल में उनके फोटोग्राफ्स हैं? हाँ सर, मुझे लेकर 6 लोग हैं। हाँ, ये पापा, मम्मी, मेरी बहन पारुल, ये मेरी बुआ है और ये उनका बेटा रोहन। घर में तो 4 लोग हैं, ये रोहन का है। सर, रोहन सुबह मेरे साथ ही निकला था, मैं कब से उसका फोन ट्राई कर रहा हूँ, स्विच ऑफ आ रहा है। सर, सीसीटीवी फुटेज। ये 3 लोग हैं और इनके पास हथियार भी। कुछ आइडिया कौन हो सकते हैं ये लोग? सर, मुझे कोई आइडिया नहीं सर। इससे पहले तुम्हारे घर में कोई चोरी चकारी की वारदात हुई है? ऐसा कभी नहीं हुआ है। तुम्हारी बहन को किसी ने कभी छेड़ने की कोशिश की, या उसका कोई ऑब्सेस्ड लवर या कोई बॉयफ्रेंड है? सर, बॉयफ्रेंड तो नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले उसका बर्थडे था और सर उस दिन बहुत अजीब हुआ। ये सब क्या है पारुल? पापा, मुझे नहीं पता। क्या मतलब नहीं पता? इतना एफर्ट तो तेरा बॉयफ्रेंड ही लेगा ना, इसलिए तुझे इतनी छूट दी है। हाँ, अब से तेरा बाहर जाना बंद। पापा, पापा सुनो ना। सर, ऐसा तो कोई ऑब्सेस लवर ही कर सकता है। सुनीता, इस गिफ्ट शॉप के बारे में पता करो। सर, ये तो यहाँ की फेमस गिफ्ट शॉप है जो यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां जाकर पता करो ये बलून्स किसने खरीदे, और अगर वहां पर सीसीटीवी है तो उसका फुटेज ट्रांसफर करो। ओके? समझ में नहीं आता ये लोग यहाँ पर आए कैसे होंगे। सर, शायद आस पड़ोस के हो सकते हैं, या फिर किसी गाड़ी पे आए हो और गाड़ी दूर लगाई हो। इनकी आइडेंटिटी के बारे में पता करो। एक बार आइडेंटिटी पता चल जाए, इनका मोटिव भी पता चल जाए। राइट सर। भैया, भाभी, मेरा विश्वास कीजिए, मैं नहीं जानती इन लोगों को। सर, एक बात तो बताना भूल गया मैं आपको। हाँ? सर, शनिवार के दिन पापा सारा कैश और ज्वेलरी घर लेकर आते थे, और मंडे को कैश बैंक में और ज्वेलरी स्टोर में ले जाते थे। ये बात किस किस को पता? सर, पापा के अलावा वो स्टोर मैनेजर मनीष को। सर, हॉस्टल ड्रामा का मोटिव चोरी तो नहीं है? अगर मोटिव चोरी होता तो चोरी करके निकल जाते ये लोग। सर, हो सकता है कि हॉस्टल को शिविर बनाकर ये लोग यहाँ से भागने की कोशिश में। हो सकता है। स्टोर मैनेजर को बुला और उसे उगलवा। जी सर। रोहन के बारे में पता चला? नहीं सर। समझ में नहीं आ रहा है कौन लोग हैं और हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। सर, जो फोटो मैंने आपको भेजी है वो बाइक अनआइडेंटिफाइड है, वो गली के एंड में है। लोगों ने इस पे 2 अनजान लड़कों को इस गली में पहले भी आते जाते देखा है। बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर से ओनर का पता चला? यस सर, बाइक किसी मार्केटिंग कंपनी के नाम रजिस्टर्ड है, मैं वही जा रही पूछताछ के लिए। ओके, गुड। ये बाइक तो हमने एक हमारा नया एम्प्लॉई है सुनील अग्निहोत्री उसको दी हुई है। बड़ा अतरंगी सा लड़का है, जब से ज्वाइन किया तब से किसी न किसी के साथ झगड़ा गाली गलौज करता ही रहता है। इस सुनील अग्निहोत्री की फोटो है आपके पास? सर, मोहन सेठ गहने और पैसे हर सैटरडे को घर लेकर जाते थे, ये बात मैंने किसी को नहीं बताई है। अगर किसी हॉस्टल स्टेकर से तेरा रिलेशन निकला तो जिंदगी भर जेल में सड़ेगा तू। सुनील अग्निहोत्री उर्फ सनी। राइट सर, मैंने पुलिस रिकॉर्ड में वेरीफाई किया तो पता चला कि ये छोटी मोटी चोरी के मामलों में कई बार जेल जा चुका है। इसका घर, एड्रेस वगैरह, फैमिली मेंबर्स? सर, पुलिस डेटाबेस में जो एड्रेस है वो उस एड्रेस पर कई सालों से नहीं रहता। एक मामूली चोरी करने वाला इंसान इतना बड़ा खतरा उठा, एक पूरी फैमिली को हॉस्टेज क्यों लेगा भला? सुनील अग्निहोत्री और सनी। लोगों, मेरा असली नाम कैसे पता चल गया? देखो, तुम्हारे बारे में हमें सब कुछ पता चल चुका है, कानून को अपने हाथ में मत लो, हॉस्टेजेस को फ्री कर दो। इंस्पेक्टर, पहले हमारे निकलने के लिए गाड़ी मंगवाओ। तुम एक हॉस्टेज को फ्री करो, मैं तुम्हारे लिए गाड़ी का अरेंजमेंट करवा दूंगा। ले, कर ले और डील। मैंने तुम दोनों से मना किया था कोई कुछ नहीं बोलेगा, अब से कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोलूंगा। इंस्पेक्टर, भूल जाओ, हम कोई भी हॉस्टेज नहीं छोड़ने वाले। तुम एक बार मुझे अंदर आने दो, अगर सब कुछ सेफ लगा तो मैं तुम्हारे लिए गाड़ी का अरेंजमेंट करवा दूंगा। अच्छा ठीक है, ये पीछे जो लेडीज खड़ी है ना, हाँ ये वाली, इसको अंदर भेजो, और इसके हाथ में कोई हथियार नहीं होना चाहिए, नहीं तो अंदर कोई बचेगा नहीं। सर, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तुम दोनों भी अपने मास्क पहन लो।
सर घर में सब लोग सेफ है, बस उन्होंने पारुल को कमरे में बंद कर रखा है, शायद उसका सेक्सुअल असॉल्ट या रेप हुआ सर, क्योंकि उसके कपड़े फटे हुए थे और हाँ सर उनमें से लड़कों के कपड़े पर नित्या डांस अकादमी का लोगो लगा हुआ था सर। ओके गुड जॉब गुड जॉब। इन्हें मेडिकल असिस्टेंट, इस नित्या डांस अकादमी के बारे में पता करो, वहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट्स उनका मोबाइल नंबर निकलवा और पता करो किसका मोबाइल नंबर इस एरिया में एक्टिव है। ओके राइट सर। रोहन का कुछ पता चला? नहीं सर, अभी भी फोन स्विच ऑफ आ रहा है। हेलो हेलो, मैं गांधीनगर पुलिस स्टेशन से PSI अजय कुमार बोल रहा हूँ। वो जो आपने तीन लड़कों की फोटो सर्कुलेट करवाई थी उसके बारे में आपको कुछ बताना है, आप अभी पुलिस स्टेशन आ सकते हैं? कितने दिन पहले की बात है? 15 दिन पुरानी। आपके केस की तरह इस केस में भी 3 लोग थे। अरे क्या कर रहे हो आप? तो और जाते जाते घर की लेडी का भी मर्डर कर दिया। इन दोनों केसेस में कॉमन लिंक एक ही है, क्रिमिनल्स 3 हैं और विक्टिम बाय प्रोफेशन ज्वेलर है। राइट सर, लेकिन इस केस में उन्होंने लूटपाट की और टेंशन होने पर मर्डर करके निकल गए, लेकिन यहाँ तो अपनी जान जोखिम में डालकर अटके। हम ये तो रवि सर के भाई हैं, यहाँ पर आते जाते रहते हैं। रवि मतलब कोरियोग्राफर? यस मैम। मैम वो 20 साल के हैं, उन्हें रियलिटी शो में डायरेक्ट एंट्री चाहिए, इसलिए पैसे कमा रहे हैं। मुझे कैसे भी करके इस वीक में 2 लाख रुपए चाहिए, उन पैसों से मेरी रियलिटी शो में डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी और जो भी क्लासेस और प्राइवेट ट्यूशन आए आप मेरी हेल्प करो। जरूर। रवि और सनी भाई हैं और रवि को 2 लाख की जरूरत थी, लेकिन अगर कुणाल की माने तो इस घर में 1-2 करोड़ आराम से होने चाहिए, तो फिर रवि सनी के साथ मिलकर सिर्फ 2 लाख के लिए ये पूरी फैमिली को हॉस्टेज क्यों बनाएगा? सर वही तो समझ नहीं आ रहा है। उसके किसी तीसरे दोस्त के बारे में पता चला? नहीं सर, एकेडमी में उनके तीसरे दोस्त के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। सर सर मैं लोकल मार्केट में सिंघानिया फैमिली के बारे में इंक्वायरी कर रहा था, तो ये सब्जी वाला मिला, कुछ बताना चाहता है। बोलो। सर एक आदमी मेम साहब का पीछा कर रहा था और वो मेम साहब का हाथ भी मरोड़ रहा था, फिर मेम साहब डर के मारे भाग गई थी। उस आदमी को इस एरिया में पहले कभी देखा है? जी हाँ सर, 1-2 बार मेम साहब पर घर की तरफ नजर रखते हुए देखा। उसकी शक्ल याद है? उसका स्केच बनवा सकते हो? जी हाँ सर बना सकते। स्केच बनवा लो। अरे कहाँ जा रहे हो? अंदर जाना मना है। अरे भाई मैं यहीं पे रहता हूँ। रोहन उसे अंदर आने दो, आने दो, आने दो। कहाँ थे इतनी देर से? सर मैं वो कंसल्टेंट के पास गया था। फोन क्यों बंद था? सर वो माँ बार बार मुझे फोन करती, इसलिए मैंने फोन स्विच ऑफ कर दिया था। लेकिन सर बात बताए ना क्या हुआ है यहाँ पर? सर ये देखिए गिफ्ट शॉप का CCTV फुटेज। ये क्या? वो बलून तूने लगाए थे? ये बलून क्यों लगाए थे? सर वो मैं चिढ़ गया था सर, जब भी मुझे पैसों की जरूरत होती थी तो मुझे मामा मामी से मांगने पड़ते थे, जबकि पारुल और कुणाल खुद से ही पैसे निकाल लेते थे, और ऊपर से पारुल मुझे चिढ़ाती रहती थी, इसलिए मैंने वो बलून वाला प्लान किया था। उसके बाद उसका घर से बाहर जाना बंद हो गया था। वो बलून वाले ड्रामे के बाद ये हॉस्टेज वाला ड्रामा भी तूने ही किया है ना? रवि और सनी को कैसे जानता? कौन सनी रवि? सर मैं किसी को नहीं जानता। देख झूठ मत बोल, सच सच बता कितने लोग इन्वॉल्व हैं इसमें? तेरी माँ को पता है इसके बारे में? अब क्या बातें कर रहे हो सर, मैं सच कह रहा हूँ मैं किसी को नहीं जानता सर। इसका फोन लो, गाड़ी में बैठा लेके जाओ सर। सर कहीं ये तीसरा आदमी तो नहीं? हो सकता है। इस फोटो को हमारे नेटवर्क में सर्कुलेट करवा दो। सर 3 घंटे होने को है, कुछ नया सोचना होगा। रवि अग्निहोत्री और सनी अग्निहोत्री कैसे हो दोनों भाई? देखो तुम्हारे जाने के लिए मैंने गाड़ी का इंतजाम करवा दिया है, लेकिन गाड़ी को आने में थोड़ा वक्त लगेगा। सिंघानिया फैमिली को भूख लगी होगी, तुम्हें भी भूख लगी होगी, इसीलिए अपने कांस्टेबल के जरिए दरवाजे के पास खाना भिजवा रहा हूँ, खाना खा के गाड़ी लेकर निकल जाना। भाई भूख तो बहुत लगी है, इन लोगों ने किचन में कुछ बना के भी नहीं रखा, ले लेते हैं। भाई लोग खाना आ गया यार, बहुत भूख लगी है, आओ खाना खाते भाई लोग, बचाओ इन लोगों को दे देंगे।
रुको। खा खा। और खा, दाल डाल इसमें। उषा, इंस्पेक्टर, तुमने हमारे साथ गेम खेला है। हमें बेहोश करना चाहते थे, इसकी भरपाई तुम्हें करनी ही पड़ेगी। अरे ये क्या हो गया? आगे इनको एम्बुलेंस में डालो। ये तुम लोगों ने ठीक नहीं किया। हमें कुछ ठीक करना भी नहीं है इंस्पेक्टर। सर इनका मोटिव भी समझ में नहीं आ रहा, ये खुद से करें या किसी कहने पर, फेमस होने के लिए या किसी खास मकसद से। इन लोगों के लिए गाड़ी का इंतजाम करो। हेलो सर। हाँ? जो आदमी उषा जी को छेड़ता था उसका पता चल गया है। उसका नाम अनिल वनवारी है, कोऑपरेटिव बैंक का पीओ है। एक कांस्टेबल उसको लेकर आता ही होगा। बैंक पीओ ना, तेरी तो बहुत पहचान होगी। ये हॉस्टेज का प्लान तेरा था? सर अगर इतना बड़ा प्लान मेरा होता तो मैं इतनी आसानी से पुलिस के हाथ में नहीं आता। देख मेरा दिमाग ऑलरेडी खराब है, उषा सिंघानिया को क्यों धमका रहा था? सर गलती हो गई मेरे से, मैं उनके लोन का गारंटर बना था और मुझे लगा उन्होंने लोन पे नहीं किया, पर ऐसा नहीं था। और बैंक मैनेजर ने उनका विश्वास जीत के उनसे पैसे ले लिए और मैनेजमेंट से बोल दिया कि उन्होंने पैसे नहीं दिए। इसी बात पे मैनेजमेंट ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मैं तो सर सिर्फ अपना गुस्सा निकाल रहा था। इसके स्टेटमेंट को क्रॉस वेरीफाई करो, जब तक क्रॉस वेरीफाई नहीं होता ना इसे थाने में रखना। ठीक है जाओ। सर कार में GPS ट्रैकर लगा दिया जिससे इनके लोकेशन का पता चलता रहे। आसपास के पुलिस चौकी को भी अपडेट कर दिया, वो लोग मौका मिलते ही रोड स्पाइक करेंगे, टायर पंक्चर हो जाएगा और हम इन्हें गिरफ्तार कर लें। रवि, सनी, गाड़ी आ चुकी है, हॉस्टेजेस को छोड़ दो और गाड़ी लेके निकल जाओ। भाई गाड़ी तो आ गई, अब इनको इनके हवाले करके निकलते हैं। रुको इंस्पेक्टर, हम पहले सिर्फ उषा को छोड़ेंगे और उसके बदले में हमें कुणाल चाहिए, क्योंकि कुणाल के पास एक लॉकर की चाबी है। बे दिमाग से पैदल हो गया है क्या? जब माल चाहिए तो चाबी मंगवाना, उसी क्यों अंदर बुला रहा है? चुप, बहुत हो गया सवाल जवाब, अब जैसा मैं बोलूंगा तुम दोनों वैसा करोगे। सर सर मुझे अंदर जाने दीजिए, क्या पता वो लोग मेरे परिवार को छोड़ दें। तुम्हारे आसपास जो भी बातें होंगी हम सुन पाएंगे, अकॉर्डिंगली एक्ट कर पाएंगे। ओके हम लोग यहां से कुणाल को भेज रहे हैं, तुम वहां से उषा जी को भेजो। ए बुड्ढी चल, तेरे जाने का टाइम आ गया है। प्लीज मेरे सर सबको छोड़ दो, आज मेरा दिन है, आज डिमांड मैं करूंगा सर। चल चल अंदर आ, बाप के साथ भी तो रोना है थोड़ा।
जाओ। तुम्हें पैसे चाहिए ना? पैसे चाहिए सारे ले जाओ, उसे छोड़ दो। ए चुप, चुपचाप बैठ के मजे ले। ए रवि चल अंदर से लड़की को भी ले आ, थोड़ा फैमिली सीन बनना चाहिए। तू करना क्या चाहता है? चाबी ले, माल लेके निकलते यहाँ से। निकलना किसको है? निकलने का तो मेरा प्लान ही नहीं था। अब जो करने आया हूं ना, पहले वो करूंगा, उसके बाद निकलूंगा। चले लेके अंदर से। सर ये ऋषि लीड कर रहा है, रवि और सनी उसकी बातें सुन रहे हैं। लेकिन ऋषि इस नाम का हिस्ट्री शीटर हमारे पुलिस स्टेशन एरिया में कभी सुना तो नहीं है। मुझे लगता है ऋषि और सनी के बीच में कम्युनिकेशन गैप है। सर रवि का नंबर है हमारे पास, कम्युनिकेशन हो सकता है। फोन लगा। मैं सीनियर इंस्पेक्टर जयदीप सिंह बोल रहा हूँ। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं तुम इस घर के अंदर सनी के साथ चोरी के इरादे से गए थे, हमें उषा जी ने सब कुछ बता दिया। और ये भी जानते हैं कि शीतल के मर्डर में तुम लोगों का कोई हाथ नहीं है। देखो तुम हम लोगों के साथ कोऑपरेट करो, दरवाजा खोल दो, मैं वादा करता हूँ मैं और मेरी टीम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। ए किसे बातें कर रहा है? इंस्पेक्टर कोई चलाकी नहीं, अब जैसा मैं बोलूंगा ना तू वैसा करेगा। ए, ए, रवि। ए सनी समझा अपने भाई को, अगर मैं चाहता ना तो ये गोली उसके सीने के आर पार होती। ऋषि तुम आखिर चाहते क्या? सच का सामना। कैसे होगा सच का सामना? डॉक्टर कौशिक रस्तोगी को यहाँ लेके आओ, वरना 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 मैं एक एक करके सबको मार दूंगा। ये डॉक्टर कौशिक कौन है? डॉक्टर कौशिक यहाँ के बहुत बड़े सर्जन है सर। ठीक है उन्हें कॉन्टेक्ट करो और जल्द से जल्द यहाँ पर बुला के लेके आओ। राइट सर। ओके माइक लगाया तुमने, आवाज तो आ रही होगी। क्या हुआ इंस्पेक्टर? हम डॉक्टर कौशिक को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो सर, मैं हॉस्टल साइड से PSI अशोक शर्मा बोल रहा हूँ। हॉस्टल सेकर ने आपसे मिलने की डिमांड रखी है, वरना वो हॉस्टेजेस को जान से मार देंगे। हॉस्टेज कौन है? ज्वेलर मोहन सिंघानी और उनकी फैमिली। मैं तो उनका सालों से फैमिली डॉक्टर हूँ। उषा जी छत के अलावा घर में घुसने का कोई और रास्ता है जहाँ पर रॉड काटने की जरूरत न पड़े? हमारे घर के बैक साइड में एक स्टोर रूम है, वहाँ पे एक खिड़की है जहाँ पे ग्रिल नहीं है। कुछ करना है मेरे साथ कर लो, कुणाल को छोड़ दो बेटा। इंस्पेक्टर डॉक्टर कौशिक आएंगे कि इसकी सर्जरी मैं खुद ही कर दूं। नहीं नहीं डॉक्टर कौशिक आ चुके हैं, अब ये बताओ तुम इनसे चाहते क्या हो? तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्यों इन लोगों के लाइफ के साथ खेल रहे हो तुम? जब तुम और मोहन लोगों की जिंदगी के साथ खेलते थे तब ये सोचते थे। तुम क्या बोल रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चल, चल। तुम नहीं बोलोगे ये तुम्हारी सच्चाई बोलेगा। बोल, अगर बेटे की जान बचाना चाहता है ना तो बोल बोल। चल, अभी तू बोलेगा? बोल, बोल। कौशिक का सच ये है कि वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं था, वो एक कंपाउंडर था, वो लोगों की चुपके से सर्जरी करता था। अभी ये बोल इसकी गलत सर्जरी की वजह से कितने लोग मरे? बोल। ठीक से याद नहीं, शायद 12 या 15। सुन लिया इंस्पेक्टर? चल अभी तू अपना सच उगलेगा, बोल
जब मेरा काम ठीक से नहीं चल रहा था तो मैं बस स्टैंड, मंदिर, रेलवे स्टेशन, बाजार, कहीं से भी लोगों को लाकर दिया करता था। कौशिक चुपके से उनकी किडनी निकाल कर बेचता था। हम दोनों इस तरह पैसा पैसा कमाया करते थे। इस सब से तुम्हारा क्या लेना देना? देखो तुम हॉस्टेजेस को छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? आज के दिन के लिए तो इतनी मेहनत की, मोहन के घर और ऑफिस के चक्कर काटे। ये मोहन, ये मेरे पापा को डॉक्टर कौशिक के पास लेके गया था और इस डॉक्टर कौशिक ने मेरे पापा की किडनी निकाल ली, जिसकी वजह से मेरे पापा की मौत हो गई। मोहन सिंघानिया, मैं उसी योगेंद्र का बेटा चिंटू हूँ। जी ये मेरे पति हैं, उनकी मौत हो गई। हाँ तो? उन्होंने बोला था कभी पैसे की तंगी हो या काम चाहिए हो तो आपके पास चले जाएं। मैंने खैरात खाना खोल रखा है, चलो निकलो। निकलो यहाँ से। योगेंद्र याद है, जिसके हमने किडनी बेची थी उसकी बीवी और बच्चा था। अब मैं इसके बेटे की किडनी निकालूंगा। सर ऑल क्लियर। ऐसा मत करो ऋषि, मैं तुम्हारे पिता का प्यारा नहीं। उन्होंने जानबूझकर 50,000 रुपए में अपनी किडनी बेची थी। अपने बेटे को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है साले। मैं पारुल कुनाल किसी की भी कसम खाकर कह सकता हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ ऋषि, ऐसा मत कर। हाथ ऊपर। धुआं और धुआं के बाद सन्नाटा, यही जग की रीत। लेकिन यहाँ इस रीत ने ऐसा तूफान लाया कि बेगुनाह शीतल की जान चली गई, उषा की उंगलियां कट गई, पारुल को ऐसा मानसिक जख्म मिला कि न मालूम उसकी रातों की नींदें कितनी हराम होंगी। अगर ऋषि झूठ के गुबार नहीं उड़ाता तो शायद सच की हवाएं उसे बेहतर रास्ते की तरफ बहाकर ले जाती। लालच में डॉक्टर कौशिक रस्तोगी ने मेडिसिन जैसे नोबल प्रोफेशन को मिसयूज किया, वहीं मोहन सिंघानिया ने सर्वाइवल के लिए इंसानियत की मूर्ति से पर्दा कर लिया और एक सफेद पोश अपराधी का साथ दिया। नतीजा, बोया पेड़ बबूल तो आम कहां से हुई। हमारे आज के एक्सपर्ट शम्स ताहिर खान का हम धन्यवाद करते हैं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।